दोस्तों, क्या आपको पता है सन 1000 में इंडिया कैसा दिखता था, या फिर उस समय के लोग कैसा जीवन जीते थे? लेकिन आज की वीडियो रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको ओल्ड इंडिया, जो उस समय भी था गोल्ड इंडिया। आज से 1000 साल पहले हमारा भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। हमारे भारत में चारों तरफ ढेर सारे मंदिरों के निर्माण हो रहे थे, वही मंदिर जिसे आज की टेक्नोलॉजी के द्वारा भी बना पाना असंभव है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बिखर रहा था, ढेर सारे नए नए राजा पैदा हो रहे थे, हर किसी को राज करने के लिए अपना एक अलग राज्य चाहिए था, हर एक राजा की नजर अपने पड़ोस के राज्य पर टिकी हुई थी, लगभग सभी का एक ही मकसद था कि कैसे भी करके पास के राज्य को लूट कर अपने राज्य में मिला लिया जाए। हमारे भारत के राजा आपस में लड़ने के लिए इस तरह से व्याकुल थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर से कौन अपनी बुरी नजर भारत के ऊपर लगाए हैं। और यहीं से शुरू होता है भारत का पतन, यहीं से शुरू होती है वो दास्तान जहां भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से गिरकर नीचे चला गया। जिस जगह पर कभी भारत हुआ करता था, आज उस जगह पर अमेरिका है। दोस्तों, लेकिन इंडिया इतना कैसे बदल गया, आइए इसके पीछे का कारण और इतिहास विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले हमारे भारत में एक वंश पावर में आया जिसका नाम था चोला वंश। इस वंश के सबसे पहले राजा राजेंद्र जानते थे कि अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए जल सेना की कितनी जरूरत है, इसलिए चोला वंश के राजा राजेंद्र ने अपने राज्य की सीमा को मजबूत करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में जल सेना को तैयार करवाया, जिसका काम था समुद्री किनारों से आने वाले दुश्मनों को देश के अंदर पहुंचने से रोकना। अपने जल सेना के दम पर चोला वंश के राजा राजेंद्र ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और श्रीलंका जैसे क्षेत्र को भी अपने अंडर में ले लिया था। चोल वंश ने अपने पावर को इतना अधिक बढ़ा लिया था कि इन्होंने बंगाल और बिहार के राजा महिपाला को भी हराकर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। यही वो वक्त था जब हम पूरे भारत में एक से बढ़कर एक मंदिरों का निर्माण हुआ। दोस्तों, भारतवर्ष में मंदिरों के निर्माण के पीछे भी एक बड़ी ही अनोखी दास्तान है। मंदिरों को बनाने के पीछे खास मकसद हुआ करता था। जब भारत में उस वक्त किसी मंदिर का निर्माण होता था तो दूर दूर से लोग वहां आते थे। दूर दूर से लोगों के आने की वजह से वहां पर दुकानों का खुलना शुरू हो जाता था। दुकान खुलने की वजह से धीरे धीरे लोग वहां पर बसने लगते थे। समय के साथ साथ वहां पर छोटे छोटे गाँव बनने लगते थे और धीरे धीरे वहां पर व्यापार के साथ साथ गांव भी बहुत बड़ा हो जाता था। और इस तरह से जो भी राजा अपने इलाके में मंदिर बनवाता था उसका इलाका और भी बड़ा हो जाता था। यानी उस वक्त के राजा मंदिरों का निर्माण अपने धर्म के साथ साथ अपने राज्य के विस्तार के लिए भी करते थे। यही वजह है कि उस वक्त सभी राजा अपने अपने राज्य में बड़ी से बड़ी मंदिरों का निर्माण करवाते थे। मंदिरों के निर्माण के लिए सबसे बेहतरीन डिजाइनर्स और कलाकारों को ढूंढा जाता था, क्योंकि राजाओं को मालूम था मंदिर जितना बेहतरीन होगा लोग उतने ही अधिक आएंगे, और जितने अधिक लोग आएंगे वहां पर उतना ही बड़ा गांव स्थापित होगा। और इसी डेवलपमेंट का फायदा उठाकर लड़ाइयां भी हो जाती थी। जब किसी राज्य का विस्तार होता था तो आसपास के राजाओं की नजर उस राज्य के ऊपर पड़ जाती थी, जिसके बाद होता था युद्ध। और अधिकतर वक्त युद्ध का मकसद यही होता था कि उस राज्य को हरा कर अपने राज्य में मिला लिया जाए। लेकिन अब तक जितने भी युद्ध होते थे उन युद्ध का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य का विस्तार करना था, भारत को लूटने और भारत को बर्बाद करने का नहीं। लेकिन उसी वक्त हमारे देश के राजाओं से एक ऐसी गलती हुई जिसके बाद भारत पर एक के बाद एक 17 बार आक्रमण हुआ, यानी कि 17 बार युद्ध हुआ। और हर बार युद्ध का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही था, भारत को लूट कर बर्बाद करना और भारत में रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, आगे हम ऐसे तथ्य आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहा जाता है चोला वंश के राजाओं ने भारत को इतना बेहतरीन बना दिया था कि साल 1000 के वक्त सिर्फ भारत और चाइना ही पूरी दुनिया का 50% से अधिक जीडीपी का हिस्सेदार था। यानी उस वक्त पूरी दुनिया की जीडीपी जितनी थी उसका 50% सिर्फ इंडिया और चाइना था। यही वजह है कि धीरे धीरे भारत के ऊपर बाहरी देशों के लोगों की नजर पड़ने लगी, और जिसने सबसे पहले अटैक करने की कोशिश की थी उसका नाम था महमूद गजनवी। दोस्तों, गजनवी भी अच्छी तरह से जानता था कि इतनी दूर से आकर भारत को हराकर भारत पर राज करना आसान नहीं है। यही वजह है कि गजनवी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आक्रमण करके भारत को लूटने की कोशिश करता था।
दरअसल महमूद गजनवी से पहले महमूद गजनवी के पिता भी भारत को लूटने की चाहत में भारत पर 3 बार आक्रमण किए थे, लेकिन उस वक्त पंजाब में एक हिंदू राजा था जिसका नाम जयपाल था। गजनवी के पिता जब भी भारत पर आक्रमण करते, जयपाल के हाथों उन्हें शिकस्त खानी पड़ती थी, जिसके बाद आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इससे बाहर अपनी सेना को और बड़ा और ताकतवर बनाकर लाया था, और अब महमूद गजनवी का सैनिक इतना बड़ा हो चुका था कि जयपाल कुछ ही दिनों के भीतर गजनवी से हार गए, जिसके बाद जयपाल ने अपने राज्य का भार अपने बेटे को देकर अपनी जान दे दी। महमूद गजनवी ने सबसे पहले भारत के जिन इलाकों पर आक्रमण किया वो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान बन चुका है। महमूद गजनवी हर बार भारत आता, यहाँ पर कत्लेआम मचाकर ढेर सारा खजाना लूट कर चला जाता। राजा जयपाल की तरह उनके बेटे ने भी गजनवी को बराबरी की टक्कर दी, लेकिन गजनवी ने उसे भी हरा दिया, जिसके बाद वो लगातार बार बार तबाही और लूटपाट मचाता रहा। और अपनी आखिरी और 17वीं अटैक गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल पर किया, जहां उसने राजपूतों से 3 दिन तक युद्ध किया और जीत अपने नाम कर ली। कहा जाता है आखिरी लड़ाई में उसने कुल मिलाकर 200 लाख दिनार भी लूट लिए थे। लेकिन सवाल यही है कि एक बाहरी शख्स जो इतनी दूर से आया, उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो घर में घुसकर घर के लोगों को हराकर लूटकर चला गया। दोस्तों, चोला वंश के बाद भारत में 3 वंश सबसे पावरफुल थे। सबसे पहला प्रतिहार वंश, दूसरा पाल वंश और तीसरा राष्ट्रकूट वंश। उस वक्त उत्तर भारत का एक नगर हुआ करता था जिसे हम कन्नौज के नाम से जानते हैं। उस वक्त कन्नौज एक बहुत ही खास जगह हुआ करता था। लोगों का मानना था कि जो भी राजा कन्नौज पर शासन करेगा उसे पूरे उत्तर भारत का राजा माना जाएगा। यही वजह है कि इन तीनों ही वंश के राजा कन्नौज को जीतने के लिए एक या फिर दो नहीं बल्कि पूरे 200 साल तक युद्ध किए, और 200 साल युद्ध करने के बाद प्रतिहार वंश ने कन्नौज को अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, उस वक्त के लोगों के लिए कन्नौज बड़ा खास था, क्योंकि उस वक्त व्यापार की दृष्टि से जितने भी खास रास्ते थे वो सभी कन्नौज से होकर ही गुजरते थे। और तो और, कन्नौज में ढेर सारी प्राकृतिक संसाधनों का भंडार भी था। लगभग 200 सालों तक युद्ध करने के बाद अंत में प्रतिहार वंश ने कन्नौज को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इतने समय तक युद्ध होने की वजह से तीनों ही वंश पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे। राजा के कमजोर होने की वजह से राज्य के अंदर नई नई शक्तियों का विकास होने लगा। धीरे धीरे राज्य कई टुकड़ों में बंटने लगा। नए नए राज्यों का उदय होने की वजह से देश में यूनिटी की कमी होने लगी, क्योंकि हर राज्य दूसरे राज्य का दुश्मन बन चुका था। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया दूर देश में बैठा महमूद गजनवी। यही वजह है कि गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और हर बार सिर्फ और सिर्फ गर्मी के दिनों में। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक शख्स इतना लंबा चौड़ा प्लान तैयार कर सकता है, फिर हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा करके भारत पर आक्रमण करता है, और दूसरी तरफ हमारे भारत में मौजूद सभी राजा एक दूसरे से लड़ने में इतने मशगूल थे कि किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि दूर बैठा हुआ एक शख्स कैसे भारत पर अपनी गंदी निगाहें डाले हैं। महमूद गजनवी ने उस वक्त भारत से ढेर सारी धन संपदा को लूटने के साथ साथ यहाँ के संसाधनों को भी पूरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, महमूद गजनवी को हिंदू धर्म से भी बहुत समस्या थी। यही वजह है कि लूटपाट करने के बाद उन लोगों ने भारत के मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया। आपको जानकर हैरानी होगी, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने एक के बाद एक कई हमले किए थे, और यहीं से शुरू हुआ भारत का पतन, जिसके बाद मुगल आए और उन्होंने भारत को लूटा। मुगलों के बाद हजारों किलोमीटर दूर से आए ब्रिटिश, और उन्होंने भी 200 सालों तक भारत में लूटपाट मचा दी। और जिस तरह से आज से 1000 साल पहले भारत में ही रहने वाले राजा एक दूसरे से लड़ाई में मशगूल थे, ठीक उसी तरह आज भी हमारे भारत में सैकड़ों तरह की राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त है। किसी को नहीं पता उनकी लड़ाई कैसे बाहरी देशों के लिए एक मौका बन जाता है। हालात तो इतने बुरे हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए दुश्मन देश के बोल से बोल मिलाने लगती है, और कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने ही सैनिकों पर सवाल खड़े करने लगती है। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।